अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वक्त तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। और माज जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आ रहे। मैंने कहा कि उठ जाएँ प्लीज़, वो कह रहे हैं सर्दी इतनी है कि मेरा बाहर आने को दिल नहीं कर रहा। तो मैंने इनको कहा कि उठें जल्दी से, फ्रेश हो। मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ते का देखने कि क्या पड़ा हुआ है और क्या बनाने वाला है। तो बस फिर हम नीचे चलते हैं और माज फ्रेश होने जा रहे हैं जी। तो मैं इस वक्त आई हूँ नीचे और अम्मी बना रही हैं इस वक्त गोभी गोश्त। तो बस फिर ये बनता है तो फिर मैं बनाऊंगी रोटियाँ और हम सब करेंगे नाश्ता। तो वेट करते हैं थोड़ा सा जी। तो शाम के टाइम अम्मी हमें बना के देने लगी हैं गुड़ वाले चावल। ये अम्मी ने चावल बॉयल करके रखे हैं और ये चाशनी बना रही है अम्मी सफ़ेद गुड़ की। तो बस गुड़ वाले चावल खाते हैं जी। तो इस वक्त बन चुके हैं गुड़ वाले चावल और बस हम खाने लगे हैं जी। तो माँ की तबीयत कुछ नासाज है तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ खिचड़ी। ये गर्म पानी में मैंने दाल भी भिगोई हुई है और बस तड़का लगाने लगी हूँ जी। तो दाल बस गलने ही वाली है, थोड़ी सी कसर रह गई है। और ये चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, मैं फिर ये डालेंगे, खिचड़ी तैयार करते हैं जी। तो खिचड़ी रेडी हो गई है बस, तो मैं लेके जा रही हूँ मास के लिए ऊपर। यहाँ पे मास सोए हुए हैं, मास और जो खिचड़ी बन गई, किसने वीडियो बना रही थी, ये लो खिचड़ी। धुआं नहीं कर रहे हैं, गरम गरम है। ये मेरा फर्ज था, शुक्रिया नहीं। अब मुझे नया ऑर्डर मिल गया रोटियां पकाने वाला, आप खिचड़ी खाओ, मैं जा रही हूँ नीचे रोटियां बनाने। ठीक है फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ आके जी। तो मैं मास की खिचड़ी ऊपर लेकर जा रही थी तो अब्बू ने कहा कि हमें रोटियां बना के दे जाएं, अम्मी को, मुझे, जान मामू को, माहा को। तो बस अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ जी। तो अजद यहाँ पे स्लेंटी खा रहा है टेरेस में खड़े होके और साथ साथ नीचे अपने बाबा को देख रहा है। अजद के बाबा कर रहे हैं गाड़ी की सर्विस और अजद की फ्रेंड वो सामने बैठी हुई है मानो कैट। तो अजद उसको माओ माओ ऊपर लगा हुआ कि मानो ऊपर आ जाओ। और ये बाबा उसके काम कर रहे हैं और ये इंजॉयमेंट चल रही है यहाँ पे, है ना अजद जी? मानो ऊपर नहीं आ रही, उसको को ऊपर आ जाओ, बाबा को आवाज दे दो को बाबा जान जान तुम बहुत प्यारे हो सोनू। यहाँ पे हमारे काके की तबीयत नहीं ठीक, इसको अभी स्टीम किया और अभी इसको सुला दिया, सोया हुआ मोहम्मद अजलान जी। तो यहाँ पे अजद का फीडर जो है वो गर्म हो चुका है, अजद को लग रही थी भूख तो मैंने उसका फीडर बनाया है। और ये जो है मैंने मास के लिए चावल गर्म करने थे तो इसको बाद में करते हैं, पहले अजद को फीडर देने चलते हैं। ये देखें जनाब के लेटने का स्टाइल, ये जनाब कैसे लेटकर कार्टून देख रहे हैं। भूपी ना आपने, अच्छा मैं देती हूँ, चलें फिर इसको दूध बना के देते हैं। पानी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर दूध डालते हैं जी। तो ये अजद फीडर पीते पीते सो गया, मेरी आवाज़ से ज़रा सा उठ सा गया था। तो अजद सो के उठा, फिर मैंने अजद को फ्रेश किया, रेडी किया। तो अजद रेडी हो चुका है, अब रेडी होके अजद आया नीचे अपनी दादों के पास। दादों को तो आवाज़ दे दो जी। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ अजद के लिए साबूदाना। तो देखिए
तो बस बनाते हैं फिर अजय को खिलाएंगे। ये बन चुका है साबूदाना और बस अब मैं अजय को खिलाने लगी हूँ। जी तो मैं माज के साथ आई हूँ थोड़ी सी आउटिंग करने। माज आए तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा बाइट घुमा लाएं, ये जो है ठंड थोड़ी सी फील करने को दिल कर रहा है, तो फिर माज मुझे ले आए बाहर। तो मैंने कहा चलें बाहर आए हैं तो व्लॉग भी एंड कर लेते हैं। तो फिर होप सो आपने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग। आज ज्यादातर व्लॉग में आपको अजद ही नजर आया होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।